नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। कुछ राशियां ऐसी होती हैं जिनके जातक या जातिका बहुत गुणवान होते हैं, भाग्यशाली होते हैं और जब भी ये किसी से शादी करते हैं तो बड़े लकी माने जाते हैं कि इनसे इनकी इनकी इनसे जिनकी शादी हो जाती है उनका तो भाग्य बदल जाता है। हर व्यक्ति चाहता है कि जीवन साथी उनका गुणवान मिले, अच्छा मिले, प्यार वाला मिले, हंसता खेलता मिले। लेकिन ज्योतिष में 12 राशियाँ होती हैं तो हर एक राशि का अलग अलग स्वभाव होता है। कोई राशि अच्छी, कोई बुरी, कोई मेहनती, कोई आलसी, तो इसके अनुसार सभी राशियों के गुण भी अलग अलग होते हैं। तो कुछ लोग किसी क्षेत्र में अच्छे होते हैं, कुछ लोग किसी क्षेत्र में अच्छे होते हैं और कुछ लोग बिल्कुल न्यूट्रल होते हैं, किसी क्षेत्र में अच्छे नहीं होते हैं लेकिन सारी चीज़ों को बराबर से करना जानते हैं। तो आइए जानते हैं किन राशियों के लोग जीवन साथी के लिए लकी माने जाते हैं। अगर आप भी शादी करने जा रहे हैं तो देख लीजिएगा, अगर इस राशि के महिला या पुरुष से शादी कर रहे हैं तो आपके लिए आपका पार्टनर लकी हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, आनंद में होंगे। तो आइए शुभारंभ करते हैं एक विशेष वीडियो जिसमें हम आपको बताएंगे कि कौन सी वो लकी राशियां हैं जिनको आपको अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। एक राशि जो है वो सबसे पहली है वृषभ राशि। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देखें तो वृषभ राशि के जातकों में बहुत गुण होते हैं। आप इस राशि के महिला या पुरुष से शादी कर सकते हैं, ये खुद भी खुश रहेंगे, आपको भी खुश रखेंगे, भरोसेमंद होते हैं, ईमानदार होते हैं, अच्छे मित्र होते हैं, अच्छी दोस्ती यारी निभाते हैं, शादी के बाद पूर्ण रूप से रोमांटिक होते हैं। सिंह राशि है अग्नि राशि। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देखा जाए तो ये लोग बहुत प्रेम करते हैं लेकिन इनके साथ बस एक ही चीज़ होती है, ये लोग अधिकार की भावना रखते हैं, तो आप उससे आपको थोड़ा सजग रहना होगा। ये लोग काम में माहिर होते हैं, ये लोग अच्छे रिश्ते निभाना जानते हैं, जीवन साथी का पूरा ध्यान रखते हैं, उनकी हर कार्य में मदद करते हैं, मेहनती होते हैं, स्वभाव थोड़ा सा गर्म होता है और ये लोग चापलूस होते हैं। इनके रिश्ते तभी बहुत अच्छे चलते हैं जब इनकी चापलूसी की जाए, यानी ये अपनी शान के खिलाफ कोई सुनना पसंद नहीं करते, बस यही इनकी एक कमी है। अपनी मेहनत के दम पर ये हर एक कार्य को सफलता प्राप्त कर लेते हैं, खूब अच्छे शासन प्रशासन में अधिकारी होते हैं। कर्क राशि है अग्नि राशि। ज्योतिष शास्त्र की बात माने तो जीवन कर्क राशि का जीवन साथी अपने साथी के लिए सब कुछ करने को तैयार होता है क्योंकि वो दिमाग से नहीं दिल से सोचता है, भावुक होता है। ये लोग जीवन साथी को खुश करने के लिए किसी भी हद पर जा सकते हैं। ये लोग हर कार्य को करने में माहिर होते हैं, काफ़ी भावुक होते हैं, आँखों में 2 मिनट में आंसू आ जाते हैं। अगली राशि है मीन राशि। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मीन राशि के जातक हर कार्य में माहिर माने जाते हैं, अपनी पत्नी को कुछ भी देने के लिए तैयार रहते हैं, उनके लिए मर मिटने को तैयार रहते हैं। ये लोग हमेशा दूसरे की मदद करते हैं। मीन राशि के जातक जातिकाएं हर परिस्थिति में अपने साथी के साथ खड़े होते हैं और अच्छा रिश्ता निभाते हैं। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा पर्सनल तरीके से, ये लोग जब प्रेम संबंध में होते हैं तो बहुत ज़्यादा केयरिंग होते हैं, शादी के बाद थोड़े से झगड़ालू हो जाते हैं लेकिन अच्छे जीवन साथी फिर भी साबित होते हैं। तो ये थी वो राशियाँ जिन राशियों के साथ शादी करके आपको बहुत ज़्यादा पछतावा नहीं होगा और आप अपना जीवन ठीक ठाक तरीके से अच्छी तरीके से बिता पाएंगे, क्योंकि ये राशियाँ सबके लिए लकी होती हैं। लेकिन अब ये भी देखना होता है कि सामने वाला इनको कितना प्यार दे रहा है, कितना सम्मान कर रहा है, तभी इस रिश्ते ये जिनके साथ जुड़ते हैं वहाँ पर लंबे समय तक रिश्ता बना पाते हैं। क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती, ये राशि वाले प्यार देते जाएँ, सामने वाले दुत्कारते जाएँ तो फिर प्यार नहीं चलता, फिर लड़ाइयाँ होती हैं। लेकिन अगर इनको कोई प्यार देता है इन राशि वालों को, तो फिर अगर इनको आप थोड़ा सा प्यार देंगे तो ये आपको उसके बदले में बहुत सारा प्यार देंगे, जिससे आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। आपके जीवन में कोई समस्या है लव रिलेशनशिप को लेकर, अपनी पत्नी को लेकर, पति को लेकर, प्रेम पति प्रेमिका को लेकर, आप दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम आपको आपकी समस्या का समाधान बताकर आपके जीवन में फिर से आपके प्यार को, आपकी ज़रूरतों को वापस लाने का वादा तो नहीं करते हैं लेकिन कोशिश करेंगे कि आपको वो मिल जाए जो आप चाहते हैं। क्योंकि वादा इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि जो हम बताएंगे कई बार व्यक्ति सामने वाला वैसा नहीं करता है। अगर आपने हमारी बताई हुई बातों को किया तो फिर हम ये कह सकते हैं कि आपका काम 100% बन जाएगा। आप संपर्क करें और फिर देखें कैसे आपके जीवन में प्यार वापस आता है। नमस्कार।